नमस्कार, मैं आचार्य संजय स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल से। सिकल सेल ब्लड सिकलिंग सिकलिंग रोग में गेहूं का पत्ता का रस से लाभ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो केवल आपका जानकारी और सूचना और ज्ञान हेतु बनाया जा रहा है। हमारा बात सुन के कोई भी रोगी बिना किसी वैद्य उपचारक अनुभवी डॉक्टर के बिना परामर्श कुछ भी ना करें। मैं यह वीडियो बनाने के पीछे मात्र इतना रहस्य है कि विगत 4-5 साल से सिकलिंग सिकल सेल ब्लड सिकलिंग इस प्रकार के रक्त पितज और बात इत्यादि रोग में रोगियों को बहुत पीड़ा पाते देख रहा हूँ। कराहते हैं दर्द से, एक तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करके मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर मैं अपने हाथ में एक बाल्टी पानी भी नहीं उठा सकता। कुछ रोगी तो बेडेड होके पड़े हुए हैं, उनके पास कोई इलाज नहीं है। जो भी एलोपैथी या और कुछ भी दवाई खाते हैं तो उसका कोई बहुत अच्छा इलाज उन्हें नहीं मिलता। तो वो फिर दूसरे दूसरे जगह पे घूमते रहते हैं और अब तक सरकारी तौर पे इसका इलाज का कोई डिक्लेरेशन कोई मेडिसिन नहीं निकल पाया है। और यहाँ तक कि मेरे पास जर्मन से भी फ़ोन आया तो ऐसे बहुत लोगों का दुख देख के सहन नहीं होता। और ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन्हें कोई ये समझाने वाला नहीं है कि सिकल सेल ब्लड सिकलिंग सिकलिंग जैसे बीमारी में सबसे लाभकारी गोमूत्र शुद्ध देसी गाय का बछड़ी का मूत्र का अत्यंत लाभ मिलता है। और उसके बाद दूसरा है, देखिए ब्लड शरीर पे बन नहीं पाता, वाइट ब्लड सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी का प्रॉब्लम होता है, वाइट ब्लड सेल बिल्डअप नहीं कर पाते वगैरह वगैरह बहुत सारा समस्या है। मैं उतना साइंटिफिकली नहीं बोलना चाहूँगा, इतना ही कहूँगा 35 साल के प्राकृतिक चिकित्सा के अनुभव में कहता हूँ, जिनका रक्तजनित विकार जनित समस्या है ऐसे रोगियों को कुछ गमला में कुछ बेड जमीन अगर है तो गेहूं का बीज बोना चालू करिए। 3 इंच से 6 इंच का पत्ता हो जाए उसको काटिए, पीसिए, जूस निकालिए, हर दिन सुबह 1 ग्लास, दोपहर 1 ग्लास, शाम को 1 ग्लास, 3 ग्लास गेहूं का पत्ता का छुहारा, गेहूं का पत्ता का रस पी के देखिए, बहुत सुंदर काम आता है। 2 प्रयोग कर सकते हैं, एक कॉन्सेंट्रेट पीना और दूसरा डाइल्यूट फॉर्म पे पीना इस गेहूं का पत्ता का रस को। और उसे ज़्यादा इफेक्टिव करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मधु उसमें ज़रूर मिलाइए। इन्फेक्शन से बचने के लिए थोड़ा सा हल्दी और गर्म पानी उपयोग में आता है। मात्र 90 दिन करके देखिए, फिर आप हमें बात करिए कि रक्त जनित सारा समस्या सिकलिंग पेशेंट ब्लड सिकलिंग सिकल सेल वालों का बात जनित दर्द जनित पीड़ा जनित समस्या समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम तक आने का कोई ज़रूरत नहीं, बहुत बड़े वैद्य और डॉक्टर के पास घूमने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई आपको परमानेंट इलाज आज तक अभी तक मैं इतने सारे रोगियों को देख लिया नहीं दे पाया है। लेकिन गोमूत्र से और यह गेहूं का पत्ता का छुहारा से सॉलिड काम में आता है। और भोजन इत्यादि में सबसे ज़्यादा आप अगर सलाद सूप जूस क्वत का उपयोग कर सकें, अग्निपाक द्रव्य कम खावें और ज़्यादातर ऑर्गेनिक खुद का उपजाया हुआ सलाद सब्जी अगर खा सकें कच्चा, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा और इस बात जनित समस्या से बच सकें। तीसरा, कांच का बोतल, मैं इसका अगला वीडियो में बताऊंगा इस पेन का तैल कैसे बनाना है। और हर रोगियों को मेरा अनुरोध है कि कुंडली विश्लेषण करा लीजिए कि किस किस हाउस में कौन सा ग्रह जनित समस्या है,
जिसके लिए ये रोग आपको ज़िंदगी भर पीड़ा दे रहा है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो दूंगा, कुंडली विश्लेषण और सिकलिंग। तो चलिए, इस हमारे जो भारत का एक मिशन पूरे भारत विश्व भारत में लगा रखे हैं, पूर्ण भारत स्वास्थ्य क्रांति अभियान, जिसमें 7.5 लाख गांव पे 15 लाख आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी के वैद्य, उपचारक, चिकित्सक निर्माण कर रहे हैं और गांव-गांव पे छोड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य हर एक गांव पे एक चिकित्सा केंद्र, स्वास्थ्य गुरुकुल खुले। तो जो भी मेरे युवा बंधु हैं, स्वागत है, इस कोर्स को ज्वाइन करें, 1 साल 3 साल 5 साल का। भारत को बचाएं, भारत के लोगों का स्वास्थ्य को बचाएं, स्वास्थ्य रक्षक बने। और जो भी अपना स्वास्थ्य को स्ट्रांग, मजबूत और सुरक्षित करना चाहते हैं, 1 महीना का हम लोग स्वयं स्वास्थ्य योजना के तहत बी योर ओन डॉक्टर, अपना डॉक्टर खुद बने, 1 महीना का ट्रेनिंग देते हैं। और 1 महीना में आपका सारा संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण, सफाई, शोधन इत्यादि कर्म करते हैं, ताकि आपको पूर्ण स्वास्थ्य मिले। 1 महीना का कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रुप हो जाए तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। व्हाट्सएप या SMS करें, कॉल ना करें। धन्यवाद, नमस्कार।